नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए सदाबहार फंड कौन कौन सा है, इसके लिए देखते हैं। और मेरा मानना है कि आप सब कुछ खरीदते हैं, सोना चांदी बंगला कार सब खरीद रहे हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, ओला में गाड़ी लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर ले, सब कुछ कर रहे हैं, समाज में लोन पे पैसा बांट रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक बार लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में भी दाव लगाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा पैसा लगाइए, दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे उसके पहले एक चीज़ बताते हैं, जब मार्केट है ना इस तरह से चलता है, यहाँ पे सेंसेक्स का रिकॉर्ड देखेंगे तो इस तरह से चलता गया, अभी 63-64 हज़ार पे चल रहा है, तो जिगजैग लाइन में चलता है। होता क्या है, ज़्यादातर इन्वेस्टर जब तेज़ी होता है तो खरीदते हैं, तेज़ी में बाय करेंगे, और जब गिरेगा तो गिरने में बाय नहीं होता है, कोई बाय नहीं होता, रिडीम होता है, तेज हो जाता है रिडीम, और स्टॉप SIP चल रहा है तो स्टॉप हो जाता है। जबकि यही चीज़ मैं आपको बोलूं कि सोने में सेम तरह का ग्राफ अगर चले जैसे मार्केट में चलता है, तो जब जब गिरावट होगा सोने में, उसमें खरीदारी बढ़ जाता है, सोनार के दुकान पे भीड़ बढ़ने लगता है। लेकिन मचमच फंड में मार्केट में जैसे गिरावट होता है वहाँ खरीदारी बंद हो जाता है। ये गुण जिसने सीख लिया ना कि गिरावट में खरीदना है और बढ़ोतरी में बेचना है, गिरावट में नहीं बेचना है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, 12 साल 13 साल 14 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। अब बात करते हैं फंड फॉर ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम के लिए अच्छा फंड है, एक बार लगा दिए। ये फंड उनके लिए जिनका ब्लूटूथ है ही नहीं, खोपड़ी में ब्लूटूथ का सिस्टम ही नहीं है, किसी के पास सिस्टम है ब्लूटूथ वाला वो अगले आगे बताएंगे, किसके पास ब्लूटूथ ऑन होगा ही नहीं, खोपड़ी में ब्लूटूथ है ही नहीं। तो यहाँ फंड का नाम है HDFC मिड कैप कोटक फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे देख लेते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, StarSIP.in की वेबसाइट पे गए, ऑल इक्विटी लास्ट 10 ईयर्स 10 लाख वन टाइम, और AUM को टच कर दिया, जरा टच मी, एक बार AUM वाइज टच किया, नहीं टच करेंगे रिटर्न वाइज परसेंटेज वाइज दिखाएगा, टच कर दिया। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 39,000 करोड़, 2013 में 10 लाख लगाया था, 10 साल के बाद वैल्यू है 68,76,000। दूसरा फंड सेलेक्ट किए हैं कोटक फ्लेक्सी कैप, ब्लू चिप के का फंड है, ICICI ब्लू चिप इसको छोड़ देते हैं, SBI ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी में है इसको भी छोड़ देते हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा, स्मॉल कैप में भी जाएगा, ये फंड भी अच्छा है, 18% का रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 10 साल में। HDFC फ्लेक्सी कैप 10 लाख रुपये लगाया था, 46,27,000, 16.55% का रिटर्न मिला है। एक्सिस ब्लू चिप को भी छोड़ देते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी में ही है, ओवरऑल डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए, लार्ज कैप में भी जा रहा है, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, इस तरह से। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी को भी हटा देते हैं क्योंकि वो टैक्स वाला फंड है, 3 साल लॉकिंग हो जाएगा। ICICI पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 19.28% का रिटर्न मिला है, 10 लाख वन टाइम रखा था 10 साल पहले, 58 लाख रुपया है। तो ये कुछ फंड हो गया, HDFC मिड कैप, कोटक फ्लेक्सी, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI वैल्यू डिस्कवरी, और SBI फोकस्ड इक्विटी, यहाँ पे देखेंगे SBI फोकस्ड इक्विटी 2013 में 10 लाख रुपये वन टाइम था इन्वेस्टमेंट, 46,58,000, 16.62% का रिटर्न मिला है। तो जिनके खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन नहीं है ना, AUM वाइज AUM कितना है, 28,000 करोड़ से 39,000 करोड़ तक AUM है, इतना ज़्यादा पैसा है। आगे देखते हैं, अब जिनका ब्लूटूथ ऑन है, हो चुका है ऑन, खोपड़ी है, ब्लूटूथ भी ऑन है, तो वही मिड कैप स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, क्वांट, यहाँ पे एक नाटक चल रहा है, यहाँ देखते हैं नाटक। ये क्वांट कभी ऊपर हुआ करता था, 1 साल पहले वहाँ हुआ करता था टॉप पे, इसका रिटर्न देखेंगे, टच करेंगे यहाँ पे, 1 साल में 39% का रिटर्न दिया है क्वांट के म्यूचुअल फंड ने, जबकि पहले ये टॉप पे हुआ करता था। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप, इसको टच करेंगे तो 39.56, और टॉप पे आ गया HDFC, 44% का रिटर्न 1 साल में दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं हुआ क्या, HDFC स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, क्वांट, ये कभी टॉप पे हुआ करता था, आज ये तीसरे नंबर पे है, क्या हुआ कहानी, इनके फंड मैनेजर ने मारा छक्का, बाउंड्री के पहले कैच हो गया, HDFC के फंड मैनेजर ने मारा सिक्सर, बाउंड्री के पार चला गया। तो कभी जो ये टॉप पे हुआ करता था, अब HDFC टॉप पे हो गया, ये नीचे हो गया, 11 खिलाड़ी में भी ऐसे होगा रैंकिंग, कभी कोई एक छक्के में आगे, एक छक्के में पीछे, कैच हुआ तो पीछे।
तो आपका यहाँ पे एक सूत्र निकलता है, इस कहानी का सूत्र ये है कि आज जो टॉप पे है कल वो टॉप पे होगा ये कोई जरूरी नहीं है, वो बॉटम में होगा, हो सकता है। हमें क्या चाहिए साधारण इन्वेस्टर को, 15-16% रिटर्न, वो सेफ, सेफर, सेफेस्ट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, ये वो तामझाम से 2 गुना रिटर्न मिल जाए, बस वही काफी। ऊपर नीचे होएगा, कोई चौवा छक्का मारेगा, कोई आउट होगा, जो भी होगा। इसीलिए बोलते हैं आपको मचमच फंड लेना है, ब्लूटूथ भी ऑन है, सब कुछ अच्छा है, 5, 6, 7, 8 में सब में झोंक दीजिए, HDFC, फ्रैंकलिन, क्वांट, निपोन, टाटा, ITI, HSBC, इसमें आपको 1 साल में सिलेक्शन है। यहाँ हम लास्ट 10 ईयर्स करते हैं, लास्ट 10 ईयर्स में देखेंगे तो क्या होगा, AUM भी अच्छा खासा होगा, निपोन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, DSP कोटक स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉलर कैप, सुंदरम स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, ये कुछ फंड हैं जहाँ पे थोड़े थोड़े पैसे करके लगा दीजिए, 2-2 हज़ार रुपये करके SIP करते रहिए, बीच बीच में कहीं से पैसा आए टॉपअप करते रहिए। तो इस तरह से करके बैंक पोस्ट ऑफिस से आपको 2 गुना रिटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक नया चीज़ हुआ है रिसेंटली, आप देखेंगे इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड में अगर कोई इन्वेस्टेड होंगे, 3 स्कीम है उसमें, अब उनका नाम बदल के ग्रो म्यूचुअल फंड हो गया है। क्यों? क्योंकि इसको इन्होंने खरीद लिया। अब जितने भी इन्वेस्टर यहाँ पे थे वो सब अब ग्रो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो गए, कहीं का कोई पैसा, एक पैसे का भी अंतर नहीं है, नाम बदल गया। जब आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ इंडिया बुल्स का नाम नहीं होगा, लोगो नहीं होगा, ग्रो म्यूचुअल फंड का लोगो और नाम होगा, इतना ही फर्क है। हो सकता है फंड मैनेजर चेंज हुआ हो, जो भी हुआ हो, मैनेजमेंट चेंज होगा क्योंकि इसको इन्होंने खरीद लिया। ठीक उसी तरह मैंने जब म्यूचुअल फंड शुरू किया था, रिलायंस म्यूचुअल फंड नाम हुआ करता था, उसको निपोन ने खरीद लिया, आज भी मेरा म्यूचुअल फंड वो चल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया बुल्स का कौन कौन सा फंड ग्रो में चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। अब नाम है ग्रो ELSS टैक्स सेवर, ग्रो लार्ज कैप, ग्रो वैल्यू ग्रोथ फंड, ये 3 फंड है जिनका इंडिया बुल्स से नाम चेंज होकर ग्रो म्यूचुअल फंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था मुझे कि राजू जी मेरे पास फोन आया था डायरेक्ट, मेरे पास 1.5 करोड़ का एक घर है, हमने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके एक घर बनाया, उसको रेंट पे लगाया हूँ, लखनऊ में 15 हज़ार का रेंट है, और मैं जहाँ पे पहले से रेंट पे रह रहा था, बैंक में कर्मचारी थे, वहीं पे रिटायरमेंट होके वहीं पे रह रहे हैं, वहाँ भी मुझे 15 हज़ार का रेंट मिल रहा है, 60 हज़ार रुपया मुझे पेंशन है और 15 हज़ार रुपया मैं रेंट देता हूँ, बैंक से रिटायर हुए 60 हज़ार पेंशन मिल रहा है, अभी तक तो जीवन यापन हो रहा है। लेकिन हम सोचते हैं जब हम नहीं रहेंगे तो क्या ये फैमिली मेंबर्स का जीवन यापन होगा, इसके लिए हम क्या करें? उनका कहना था क्या मैं ये फ्लैट बेच दूं और आप जैसा बताते हैं मचमच फंड में झोंक दूं? मैंने उनको कहा कि यदि आपको 1.5 करोड़ में घर बिक रहा है या 130-140 में बिक रहा है, 50 लाख का एक घर खरीदिए अपना, उसमें रहिए, बाकी पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस के बैलेंस फंड में, और वहाँ से 60 हज़ार रुपये पर मंथ, 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ आप HWP कर सकते हैं, पेंशन कर सकते हैं। होता ये है कि सिटी चेंज करने से, लोकेशन चेंज करने से, जो घर 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का था, आपको 40, 50, 60 में भी मिल जाता है। मैं यहाँ अगर ये सोचता कि मैं दिल्ली में घर लूँगा तो 1.5 करोड़ का घर होता जैसा मैं रहना चाहता हूँ, मुंबई में रहना चाहूँ तो 3 करोड़ का मिलेगा, मैं चंडीगढ़ में हूँ 65-70 लाख का मिल रहा है। तो उसी तरह जब आप जहाँ पे रह रहे हैं लखनऊ में, उससे थोड़ा सा लोकेशन चेंज करेंगे तो 40-50 का भी घर मिल जाएगा, या दूसरा शहर ही चेंज कर दीजिए तो मिल जाएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन होगा, अरे अच्छा लोकेशन भी तो मज़ा कुछ और है, क्या बात करते हैं, जहाँ रह रहे थे वहाँ चेंज थोड़ी कर देंगे। अब बात मज़ा का नहीं है, लोकेशन का नहीं है, बात है रोटी का और पेट का, यहाँ तक बात आया है। तो इसको पाने के लिए अगर ये भरा हो ना तो सारा लोकेशन अच्छा लगता है, पेट खाली होगा तो कोई लोकेशन काम नहीं आएगा। तो बैलेंस फंड के कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहले अपना घर जुगाड़ कर लीजिए, उसके बाद उस बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। आप पूछेंगे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये फंड है जो मैं लास्ट 10 ईयर्स का बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपया बैलेंस कैटेगरी में रखा, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा है। आप इसको 12 साल 15 साल 20 साल में करके चेंज करके देख सकते हैं। 60 हज़ार रुपये पर मंथ लिया, पहला ही फंड आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड बैलेंस कैटेगरी में, 1 करोड़ रुपया 2013 में इन्वेस्ट किया था और अगले ही मंथ से 60 हज़ार रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, तो पिछले 10 साल में 75 लाख 60 हज़ार ले चुके हैं और आज बैलेंस बचता है 3 करोड़ 56 लाख।
उसी तरह दूसरे फंड में अगर बैलेंस का बात करें तो 4 करोड़ बचा हुआ है, पेंशन तो 60,000 ही ले रहे थे, 75,60,000 ICICI में, और HDFC हाइब्रिड इक्विटी में 75,60,000 विड्रॉ हुआ, 60,000 पर मंथ की दर से बैलेंस बचा हुआ है 351,51,00,000। तो इस तरह से करके आप एनालाइज कीजिए, अध्ययन कीजिए, घर लीजिए, बचे हुए पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए बैलेंस कैटेगरी में। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और